हेलो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए बनाने चलते हैं आज की रेसिपी। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं शलजम गोश्त की रेसिपी। इसके लिए हमने आधा किलो शलजम लिया है, इसे बारीक कट कर लिया है और अच्छे से पानी से धो लिया है। यहाँ हमने आधा किलो मटन लिया है, इसको भी अच्छे से पानी से धो लिया है। यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट है। यहाँ हमने एक प्याज और लाल मिर्च धनिया पाउडर का पेस्ट बनाया है। यहाँ चार से पांच हरी इलायची ली है, एक बड़ी इलायची, चार से पांच काली मिर्च और एक दही लिया है, नमक लिया है, गरम मसाला लिया है। अब फ्रेंड, ये हमने अपना कुकर रख दिया है। इसमें हमने एक से डेढ़ चम्मच सरसों का तेल डाला था, जिससे ये तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें अपने ये खड़े मसाले डालेंगे। ये हमने इसमें अपने खड़े मसाले डाल दिए हैं और अब हम इसमें अपना मटन डाल देंगे। चार से पाँच मिनट तेल में ऐसे ही अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जब तक इसकी हीट नहीं निकल जाती। इसको चार से पाँच मिनट तक ऐसे ही फ्राई करेंगे। ठीक फ्रेंड, हमारा तीन से चार मिनट हो गया है, ये मटन अच्छे से तेल में भुन गया है। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। ये अदरक लहसुन लिया था हमने, इसका पेस्ट बना लिया है, इसे हम दो चम्मच डालेंगे और इसको भी अच्छे से इस मटन के साथ मिला देंगे। अब हम इसमें दो चम्मच दही डालेंगे। ये हमने दो चम्मच दही डाल दिया है। इसके बाद जो हमने लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और एक प्याज का पेस्ट बनाया था, वो भी इसमें मिला देंगे। और अब हम इसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएंगे और एक चम्मच नमक मिलाएंगे और एक चम्मच गरम मसाला। अब हम इसको अच्छी तरह मिला के एक गिलास पानी डालेंगे और उसके बाद हम चार से पांच सीटी लगाएंगे ताकि हमारा मटन अच्छे से गल जाए। फिर हम इसमें अपने शलजम ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड, हमने चार से पांच सीटी लगा ली है, हमारा मटन अच्छे से भुन गया है और गल भी गया है। अब हम इसमें अपने शलजम डालेंगे और इनमें भी हम दो से तीन सीटी लगा लेंगे। इसमें पानी नहीं डालना है क्योंकि शलजम तो पूरी पानी छोड़ते हैं। ये सारे हमने शलजम इसमें डाल दिए हैं और इसको भी अच्छे से हम इस मसाले में अच्छे से मिला लेंगे और इसमें हम दो से तीन सीटी लगाएंगे। उसके बाद हम अपनी गैस बंद कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड, हमारे शलजम गोश्त अच्छे से बन गए हैं, हमारे शलजम भी अच्छे से गल गए हैं। तीन से चार सीटी लगाई थी इसमें हमने, अब हम इसे खाने के लिए सर्व करेंगे। देखिए फ्रेंड, हमारे शलजम भी अच्छे से गल गए हैं। अब ये हमारी रेसिपी तैयार हो गई है, इसे हमने सर्व कर दिया है। आप इसे नान के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो शलजम गोश्त की, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारी आगे आने वाली रेसिपी का इंतज़ार करें।